व्रत में कुट्टू के आटे की पूड़ी ज़्यादातर लोग अपने घरों में बनाते हैं, लेकिन ये अच्छी तरह से नहीं बन पाती, ना ये फूल पाती है। तो मैं आपके साथ सारी मुश्किलों का समाधान लेके आई हूँ। मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आज हम बनाएंगे कुट्टू के आटे की पूड़ी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशूज़ कुकिंग मैजिक। मैं हूँ आशु। तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं। 1.5 कप कुट्टू के आटे को हम एक बोल में ले लेंगे। 1.5 कप कुट्टू के आटे में हम 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू को डालेंगे। आलू को हमने मीडियम फ्लेम पे 3 सीटी बजा लिया था। आलू जब पूरी तरह से ठंडा हो गया तभी हम इसको इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से आप हाथ से अच्छे से इसको मैश कर दीजिए। अब हम इसमें 1 हरी मिर्च को महीन महीन चॉप करके डाल देंगे। ज़ीरा डाल देंगे 1/4 टेबल स्पून। इसमें हम धनिया के पत्ते डालेंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो 2 चम्मच हमने धनिया के पत्ते डाल दिए हैं और सेंधा नमक या फिर रॉक सॉल्ट, तो स्वाद के अनुसार नमक डाल दें। वैसे 1/4 टेबल स्पून नमक काफ़ी होता है। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से इसमें मिला देंगे। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आलू बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, वो खूब अच्छे से उबला हुआ होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी या गीला हुआ आलू आप इसमें ना डालें। सिर्फ 3 सीटी उबले हुए आलू से हम इसको पहले अच्छे से मैश करके मिलाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैं आलू को कुट्टू के आटे में बहुत अच्छे से मल मल के मसल के मिला रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये बाइंड होने लग गया है। अगर इस तरह की बाइंडिंग हो रही है तो इसका मतलब आपका आलू जो है इसमें बहुत अच्छे से मिल गया है और आलू कुट्टू के आटे को बाइंड करने में हेल्प करता है। इसी के बाद अब हम इसमें पानी मिलाएंगे। तो पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है, 2-2 चम्मच करके हम पानी डालेंगे। तो अभी हमने 2 चम्मच पानी डाला है, इसको हम अच्छे से इसमें पहले मिला देंगे पूरे मिक्सर में। इसके बाद फिर हम 2 चम्मच के करीब पानी लेंगे और इसको भी हम बहुत अच्छे से मिलाते जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप काम करना है। पानी इसमें ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये आटा अपने आप ही धीरे धीरे बहुत जल्दी गीला होने लगता है। तो ये देखिए मैंने 2-2 चम्मच करके इसमें पानी डाल के इसको मैंने मिला लिया। अब यहाँ पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा, जैसे इसमें बाइंडिंग होने लग जाए, टाइट सी बाइंडिंग, बहुत टाइट बाइंडिंग, तो बस सारे मिक्सर को इकट्ठा करके हमें बाइंड कर देना है। मतलब हमें आटे को सानना नहीं है, सिर्फ इकट्ठा करके उसको हमें बाइंड कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे मिक्सर पूरा इकट्ठा हो गया है और खूब टाइट सा डो बन के तैयार हो गया। डो जैसे जैसे टाइम बीतेगा अपने आप मुलायम होता जाएगा। तो इसलिए आप खूब टाइट सा डो तैयार करें और जैसे डो लगाएं तुरंत पूड़ी को बेलना और तलना शुरू कर दें। इसको बिल्कुल भी रखना नहीं है। अब हम इसको बेलना शुरू करेंगे। थोड़ा सा हम एक नींबू के आकार का पेड़ा लेके उसको चिकना कर लेंगे और कुट्टू के आटे में ही हम इसको हल्का सा डस्ट करके बस हल्के हाथों से 2-3 बार बेलेंगे। ये देखिए बहुत हल्के हाथों से हमने इसको 2 बार बेला, अब ये 3री बार बेला, हमारी पूड़ी बन गई। इससे ज़्यादा हमें नहीं बेलना है। और ये देखिए हमने बहुत पतली पूड़ी नहीं बनाई है, थोड़ी सी मोटी बनाई है। बस इसी तरह की पूड़ी हमें बेलनी है। इसको अब हम प्लेट में साइड कर देते हैं। एक पूड़ी हम आपको और बेल के दिखाते हैं। तो इस तरह से कुट्टू के आटे में हमने डस्ट कर दिया पेड़े को और 1 बार बेला 2 बार बेला 3 बार 4 बार से ज़्यादा आप बिल्कुल भी मत बेलिएगा। बस पूड़ी हमारी बेल गई। इसी तरह से अब हम इस पूड़ियों को तलने चलते हैं। तो तेल यहाँ पे बहुत बढ़िया गरम होना चाहिए, मीडियम आंच पे तेल गरम है। पूड़ी को हम डाल देंगे, पूड़ी अपने आप ऊपर आ जाती है और इसको हल्का सा तेल में हम इसको इस तरह से बहुत ही हल्के करछी से इसको हिलाएंगे जिससे कि तेल पूरी पूड़ी में अच्छे से लग जाए, मतलब पूड़ी अंदर डूबी हो। तो देखिए पूड़ी फूल गई। जैसे ही पूड़ी फूल जाएगी हम इसको पलट देंगे। तो ये देखिए इसका कलर जब इस तरह का हो जाए तब आप समझ जाइए कि पूड़ी आपकी बढ़िया सिक गई है। तो देखा कुट्टू के आटे की पूड़ी बनाना कितना आसान है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पूड़ी को आप मीडियम आँच पे, मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपको सेकना है। पूड़ी को डालें तो पूरी तेल में पूरी तरह से डूबी हुई होनी चाहिए। और ये देखिए जैसे ही पूड़ी हल्की सी फूलने लगेगी तो आप करछी में इसको एक बार दबा के अंदर की तरफ फिर इसको पलट दें तो पूड़ी आपकी पूरी फूल जाएगी। तो यहाँ पे कुट्टू के आटे की पूड़ी बन गई है, सुनहरा कलर आ जाए इसको निकाल लीजिए और व्रत में आप इस कुट्टू के आटे की पूड़ी के साथ कोई भी सब्जी, रायता, चटनी के साथ खा सकते हैं। ये स्वादिष्ट होने के साथ साथ बहुत हेल्दी होता है।
तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। घर का बना हुआ खाना खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरा वीडियो देखते रहिए। जय माता दी, बाय बाय एंड टेक केयर।